नमस्कार, मेरा नाम है साइली और ये है मोहित जी, और आप हमें देख रहे हो PNTV पे। वो आप देखिए, क्या लगता है? नहीं, वो आप देखिए, वो मैं बताना नहीं चाहता हूँ। चाहता हूँ मैं ऑडियंस को शो देखे कि इन दोनों की केमिस्ट्री क्या है, क्या होता क्या है जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो ऑफ स्क्रीन तो हम अच्छे रहते हैं, ऑब्वियसली हम एक्टर्स हैं, हमें साथ में काम करना है, बट ऑन स्क्रीन आई डोंट वांट टू रिवील, देयर इज अमेजिंग केमिस्ट्री। राजन जी का शो था, राजन जी का कॉल आया, सुना, और जब सुना तो मैं आई वाज फेल इन लव विद द स्टोरी, द प्लॉट, द कैरेक्टर, द ग्राफ। आई सेड यस इमीडिएटली। यार मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मराठी मुलगी मैं प्ले कर रही हूँ और मैं हुई मराठी मुलगी, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि हम ज़्यादा जानते हैं अपने अपने कल्चर के बारे में। तो जब भी कोई भी छोटी मोटी चीज़ होती है, जैसे पप्पा को घर लाना गणपति उत्सव में, बहुत छोटी छोटी गुड़ी पाड़वा के दिन क्या होता है महाराष्ट्र फैमिलीज में, तो ये मुझे सबसे पहले पूछा गया है, ओ मोहित मालिक है। No, I think my family was really happy. उनको लगता था कि अनुपमा के मेकर्स हैं, तो ही they'll make do a good job. वो खुश हुए थे। वंदना एक स्ट्रॉन्ग लड़की है जो अपने सपनों का पीछा कर रही है कई सालों से, और कहीं ना कहीं अब वो 35 की हो गई है, उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, तो वो एक होता है ना कि कब कब मिलेगा मुझे मेरा सपना, कब मेरा सपना पूरा होगा। तो बस यार अब वही कोशिश चल रही है कि उसका सपना पूरा हो जाए वंदना का, और वो अपने फैमिली की सारी ख्वाहिशें पूरी कर पाए बहुत जल्द। कुणाल अगेन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड गाय, एंड कुणाल के अपने इश्यूज हैं। कुणाल इज एन अचीवर, ही इज अ ड्रीमर। कुणाल इज खामियां हैं थोड़ी सी कुणाल में, थोड़ा सा सिनिक है, वो सिनिक हो गया है, थोड़ा सा यू नो ओपिनियनेटेड है, लोगों पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता है, तो वो भी उसके इश्यूज़ हैं और अपने फियर्स हैं, अपने इश्यूज़ हैं। पंजाबी लड़का है, लंदन से है, बिलोंग करता है और आता है इंडिया में अपने किसी काम के लिए, तो दैट्स वेयर मुंबई में हमारी मुलाकात होती है दोनों की, और कैसे ये दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में आते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं इम्प्रूव होने के लिए एज अ ह्यूमन बींग। वेरी एक्साइटेड ऑब्वियसली। राजन जी का शो था, राजन जी का कॉल आया, सुना, और जब सुना तो मैं आई वाज फेल इन लव विद द स्टोरी, द प्लॉट, द कैरेक्टर, द ग्राफ। आई सेड यस इमीडिएटली, और मेरे साथ तो यही हुआ। एंड कैसे मिला, मराठी लड़की चाहिए थी, मराठी लड़की मिल गई तो ऐसे ही मिला है शो, मराठी लड़की ढूंढते ढूंढते, और वी आर वेरी लकी दैट वी आर अ पार्ट ऑफ दिस टीम। यार मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मराठी मुलगी मैं प्ले कर रही हूँ और मैं हुई मराठी मुलगी, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि हम ज़्यादा जानते हैं अपने अपने कल्चर के बारे में। तो जब भी कोई भी छोटी मोटी चीज़ होती है, जैसे पप्पा को घर लाना गणपति उत्सव में, बहुत छोटी छोटी गुड़ी पाड़वा के दिन क्या होता है महाराष्ट्र फैमिलीज में, तो ये बहुत मज़ा आने वाला है, ये जब फेस्टिवल्स आएंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे सबसे पहले पूछा गया है, ओ मोहित मालिक है। No, I think my family was really happy. उनको लगता था कि अनुपमा के मेकर्स हैं, तो ही they'll make do a good job. वो खुश हुए थे। वो आप देखिए, क्या लगता है? नहीं, वो आप देखिए, वो मैं बताना नहीं चाहता हूँ। चाहता हूँ मैं ऑडियंस को शो देखे कि इन दोनों की केमिस्ट्री क्या है, क्या होता क्या है जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो ऑफ स्क्रीन तो हम अच्छे रहते हैं, ऑब्वियसली हम एक्टर्स हैं, हमें साथ में काम करना है, बट ऑन स्क्रीन I don't want to reveal this amazing chemistry. यार एक ही कॉमन ही विषय है, और वो मैं उसको सीक्रेटली भी क्या बोलूँ, वो सबको ही पता है क्या विषय है, हम सबकी वो विषय है, पूरे प्रोडक्शन की, पूरे चैनल की, हर एक स्टाफ की, कैरेक्टर्स की, कि शो चले, मेहनत कर रहे हैं इतनी तो शो चलना भी चाहिए। बस हमारा शो देखिए, ऐसे ही प्यार करते रहिए और हम आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। कीप वॉचिंग बातें कुछ अनकही सी, रात के 9 बजे मंडे टू संडे स्टार प्लस पर। बाय।